लगी है, मैं खाना चाहती हूँ। क्या कोई खाना चाहता है? सैफ हमेशा बचाव के लिए तैयार है। मैं आ रही हूँ। कोई भी मेरी पोती को अपनी दादी की तरह स्वादिष्ट नहीं खिलाएगा। मैं आ रही हूँ मेरी पोती। बहन क्या तुम भूखी हो? मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा।
ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है, मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाराम, देखो कितना सुंदर है। What? यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवर कुक्ड है, मैं वह नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौड़ में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। ओके। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है।
मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम, अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। पारारा को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि आप आज के कौन से डिशेस को ट्राई करना चाहेंगे।